हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लीप। इसके पहले वीडियो में हमने लीप से संबंधित कुछ जो भी टर्म्स थे टैक्सोनॉमी से संबंधित, उन सभी टर्म्स को हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक के बारे में जो लीप से संबंधित है। एक तो है फिलोटैक्सी, एक जो है फिलोटैक्सी है, फिलोटैक्सी। उसके बाद फिलोटैक्सी के बाद जो है इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। दो टॉपिक को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। इन सभी टर्म्स को हम क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिलोटैक्सी के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं फिलोटैक्सी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फिल मतलब होता है लीप्स, फिल का मतलब होता है लीप्स। यानी अगर हम इस वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है फिल, और फिल का मतलब होता है लीप्स, और एक है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। यानी फिलोटैक्सी का मतलब होता है लीप्स का अरेंजमेंट, यानी पत्तियों की जो व्यवस्था है। अगर इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीप्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। यानी तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम फिलोटैक्सी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो पत्तियों की व्यवस्था है तने पर वो कैसे होती है। तो अरेंजमेंट के बेस पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पत्तियाँ हैं वो मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अल्टरनेट और एक होता है अपोजिट। तो जो फिलोटैक्सी होता है यानी जो लीप्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीप्स अरेंज ऑन स्टेम इन फॉलोइंग बैच। यानी जो लीव्स है वो तने पर व्यवस्थित होता है निम्न तरीकों से, जिसमें से सबसे पहला है स्पाइरल। स्पाइरल को अल्टरनेट भी कहते हैं। स्पाइरल लीप्स क्या होता है यहाँ पर हमें समझना है। स्पाइरल या अल्टरनेट लीप्स का मतलब होता है कि जब किसी तने पर सिंगल नोड पर सिंगल लीप्स अरेंज होते हैं तो ऐसे फिलोटैक्सी को या ऐसे लीप्स के अरेंजमेंट को स्पाइरल या अल्टरनेट लीप्स कहते हैं या फिलोटैक्सी कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, सिंगल लीप एट
ईच नोट, यानी एक नोट होगा और उस पर सिंगल लीफ्स होते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि मानते हैं कि ये तना है और तने में नोड है, और इसी नोड से क्या निकलती है, पत्ती। इसी जो है नोड से क्या निकलेगी, पत्ती। अब यहाँ पर देखते हैं एक नोड से केवल एक ही पत्ती निकलेगी, यहाँ पर एक नोड से केवल एक ही पत्ती निकलती है। तो ऐसे लीफ के अरेंजमेंट को स्पायरल या अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। अब इसमें हम समझते हैं कि जो स्पायरल या अल्टरनेट लीफ्स होता है ये कई प्रकार का होता है, जिसमें से हम सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला वन बाई टू ओर आर टू रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी, वन बाई टू ओर आर इसे कहते हैं टू रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो वन बाई टू ओर आर टू रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी, यहाँ पर हमें क्या समझना है, जैसे कोई भी तना है और उसकी पत्ती पर, या कोई भी तना है और उस पर जो पत्ती का अरेंजमेंट है वो वन बाई टू या टू रैंक्ड फिलोटैक्सी होगा, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगा। ये क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, आप समझते हैं यहाँ पर सिंगल नोट से सिंगल लीफ, सिंगल नोट से सिंगल लीफ, सिंगल नोट से सिंगल लीफ्स, तो इसे हम स्पायरल या अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। लेकिन ये जो फिलोटैक्सी है ये कई प्रकार का होगा, जिसमें से सबसे पहला हमने क्या देखा, वन बाई टू ओर आर टू रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो थर्ड लीफ है, थर्ड लीफ स्टैंडिंग ओवर फर्स्ट, और इसका जो एग्जाम्पल होता है ये एग्जाम्पल होगा ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में। ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी भी कहते हैं, तो किस में पाया जाता है, इन ग्रेमिनी, और इसी को क्या कहते हैं, पोएसी, या फिर ग्रासेस में भी होता है, ग्रासेस में। चलिए इस पॉइंट को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो है वन बाई टू का मतलब क्या होता है, तो वन बाई टू को जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो वन का मतलब होता है स्पाइरल की संख्या। वन का मतलब क्या होगा, स्पाइरल की संख्या। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि एक जो है इस तरह से तना बनाया गया, एक तना ऐसे बना दिया गया। अब तने में आप देखेंगे जो वन बाई टू, तने में जो वन बाई टू रैंक्ड या टू रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी है, मान लीजिए कि एक नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, एक नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, पहली पत्ती यहाँ से निकलेगी, दूसरा नोड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तीसरा नोड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है तने में, और चौथा नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी तने पर ये नोड की बात हो रही है और इस नोड से ही क्या निकलती हैं, पत्तियाँ। उसके बाद चार नोड हो गया, पांचवा नोड यहाँ हो गया, पांचवा फिर यहाँ पर क्या हो गया, छठवां नोड हो गया। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए कि ये पहली पत्ती यहाँ से निकलेगी, दूसरी पत्ती यहाँ से निकलेगी, तीसरी पत्ती यहाँ से निकलेगी, चौथी पत्ती यहाँ से निकलेगी,
और पांचवी पत्ती यहाँ से निकलेगी और छठवीं पत्ती यहाँ से निकलेगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें स्पायरल जो अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ से ये गया और यहाँ फिर नोड बना, पत्ती बनी, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से ये स्पायरल अरेंजमेंट। अब आप देखिए कि यहाँ से ये क्या है, ये स्पायरल बन गया, यानी यहाँ से एक पत्ती, दूसरी पत्ती यहाँ से, तीसरी पत्ती यहाँ, यानी इस तने पर इस पत्ती का जो अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया कि 1/2 और आर टू रैंक अल्टरनेट फिलोटैक्सी, इसका मतलब होता है कि जो थर्ड लीफ है वो स्टैंडिंग ओवर फर्स्ट, यानी जो पहला लीफ है उसके ऊपर, उसके ऊपर कौन सा लीफ प्रेजेंट होता है, थर्ड लीफ। तो 1/2 और आर टू रैंक अल्टरनेट फिलोटैक्सी को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, कि पहला जो लीफ है इस पहले लीफ के ऊपर क्या मिलेगा, थर्ड लीफ मिलेगा। तो यहाँ पर इस फिलोटैक्सी को क्या कहेंगे, और वन का और टू का मतलब आप समझ लीजिए, वन का और टू का मतलब आप समझेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ 1/2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जैसे वन जो है वो स्पायरल की संख्या है, यानी स्पायरल की संख्या है, और टू क्या है, मतलब प्रत्येक एक के बाद दो पत्तियों पर जो है क्या मिलता है, उसके ऊपर अरेंजमेंट मिलता है, मतलब एक के ऊपर जो तीन है, यानी बीच में एक में जब हम दो जोड़ते हैं तभी तो तीन आएगा, तो तीसरी पत्ती जो है हमेशा पहली पत्ती के ऊपर होगी, यानी दो का अंतर होगा, दो का अंतर होगा, इसीलिए जो है एक स्पायरल और पत्ती के बीच में दो का अंतर, ठीक है। तो 1/2 अल्टरनेट फिलोटैक्सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा। उसके बाद हम देखते हैं अगला, दूसरा, दूसरा जो टाइप है, दूसरा देखते हैं, दूसरा जो फिलोटैक्सी है, दूसरा है 1/3 ओ आर आर थ्री रैंक्ड, 1/3 ओ आर आर थ्री रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो 1/3 ओ आर आर थ्री रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी, इसका मतलब हम समझ लेते हैं, वन मतलब स्पायरल की संख्या होगी और इसमें एक के ऊपर एक पत्ती में जो अंतर होगा वो तीन का अंतर होगा, यानी स्पायरल की संख्या होगी एक और इसमें क्या होगा, तीन का अंतर होने का मतलब अगर पहली पत्ती है तो उसके जस्ट ऊपर अगर तीन का अंतर, उसमें तीन और प्लस कर देते हैं तो चार नंबर की जो पत्ती है वो पहली पत्ती के ऊपर अरेंज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ लीफ, इसमें क्या लिखेंगे, फोर्थ लीफ स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट, स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट। तो यहाँ पर स्पायरल की संख्या कितनी होगी, अगर स्पायरल की संख्या देखा जाए तो कितना होगा, वन लिखा है तो वन स्पायरल होगा। और ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल्स है, इसका एग्जांपल है साइपीरस, एग्जांपल इसका है साइपीरस, साइपीरस प्लांट में 1/3 या 3 रैंक अल्टरनेट फिलोटैक्सी पाया जाता है। अब हम इसको समझते हैं, स्पायरल की संख्या कितना कर देते हैं, स्पायरल की संख्या कर देते हैं सिंगल, क्योंकि वन है, और अंतर कितना होगा, मतलब एक के बाद जब ऊपर वाली पत्ती आएगी तो उसमें अंतर कितना होगा, तीन का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक स्टेम बनाते हैं, ऐसे स्टेम हो गया स्टेम। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला नोड है, पहला नोड यहाँ मिला, उसके बाद फिर देखते हैं कि जो दूसरा नोड है,
हाँ यहाँ पर जो है क्या मिला, दूसरा नोट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है तीसरा नोट, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तीसरा नोट, और फिर यहाँ पर मिल जाएगा चौथा नोट। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पांचवा नोट, सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा नोट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद छठवां नोट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ से पत्ती निकलेगी, तो यहाँ छठवां नोट हो गया। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पायरल की संख्या एक होगी, लेकिन यहाँ देखिए जो पहली पत्ती है, पहली पत्ती के ऊपर कौन सी पत्ती होगी, फोर्थ लीफ होगी। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि स्पायरल की संख्या एक है, लेकिन जब ये ऊपर मतलब जो सीक्वेंस बनता है, जो क्रम बनता है, उस क्रम में एक के बाद फिर जब दूसरा आता है लाइन में, तो उसके बीच में अंतर कितना होता है, तीन का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ORR3 रैंक अल्टरनेट फिलोटैक्सी, जो किस में पाया जाता है, साइपिरस में। यानी यहाँ पत्ती निकलेगी, यहाँ पत्ती निकलेगी, और ऐसे जितने भी नोड हैं वहाँ से क्या निकलेगा, पत्ती निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं 2/5। नेक्स्ट जो है तीसरा 2/5, यहाँ आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। ORR इससे कहते हैं 5 रैंक्ड फिलोटैक्सी या अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो 2/5 ORR 5 रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी, इसको हम समझते हैं 2/5 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्पायरल की संख्या कितनी होगी, दो होगी। और पहली पत्ती जो होगी और उसके ऊपर वाली पत्ती के बीच में कितना अंतर होगा, 6 का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ, सिक्स्थ लीफ स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट, ओवर द फर्स्ट, यानी जो सिक्स लीफ है, और इसमें हम देख लेते हैं स्पायरल की संख्या कितनी होगी। तो स्पायरल की संख्या कितनी होगी, स्पायरल की संख्या कितनी होगी, टू, दो स्पायरल, मतलब दो ऐसे स्पायरल रिंग बनेगा। चलिए 2/5 को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है बना लेते हैं एक स्टेम बना लेते हैं, और उस स्टेम पर हम क्या बनाएंगे, नोट। स्टेम पर हमें बनाना है नोट। चलिए अब हम पहला नोट सबसे नीचे, यहाँ पर ये फर्स्ट नोड है, इससे हम लिख देते हैं फर्स्ट। ये जो है फर्स्ट नोड है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा नोड कहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर ये स्पायरल यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर इसका जो दूसरा नोड, ये देखिए यहाँ यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है कौन सा नोड होगा, दूसरा नोड यहाँ आ जाएगा। दूसरा नोड के बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो है तीसरा नोड, ये यहाँ पे यहाँ बनाते हैं, कौन सा नोड होगा, तीसरा। तो तीसरा नोड जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, ये तीसरा नोड है जहाँ से पत्ती निकलेगी, तीसरा नोड। उसके बाद तीसरे के बाद फिर हम देखते हैं कि चौथा नोड कहाँ पर होगा, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ यहाँ कौन सा नोड होगा, 4 नंबर का नोड्स, देखिए 4 नंबर का नोड्स होगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि पांचवा कहाँ पर होगा, तो पांचवा को फिर हम यहाँ पर बनाते हैं, तो पांचवा नोट्स होगा, जो पांचवा नोट्स होगा वो यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा नोड होगा, पांचवा, ये पांचवा नोड हो गया। उसके बाद फिर छठवां नोट की बात करते हैं, तो छठवां नोट जो है वो जा कर के पाँच के बगल में, यानी यहाँ पर, इस लाइन पर पढ़ना चाहिए, तो एक के जस्ट ऊपर होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। ये कौन सा होगा, ये सिक्स्थ होगा, ये सिक्स्थ। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे जाएंगे,
कहने का मतलब क्या होगा कि एक जो पहला लीप्स है, यहाँ पर देखिए जो पहला लीप्स है उसके ऊपर किस नंबर का लीप्स आएगा, सिक्स नंबर का। तो यहाँ पर आप देखिए सिक्स लीफ स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट, और स्पायरल की संख्या कितनी हो जाएगी, दो स्पायरल, यहाँ पर दो स्पायरल की संख्या होगी, दो घुमावदार संरचना इसमें दिखेगी, मतलब पत्तियों का जो अरेंजमेंट है वो दो स्पायरल बनाएगा, और हमेशा पहली पत्ती के जस्ट ऊपर कौन सी पत्ती होगी, सिक्स नंबर की। तो इसी को क्या कहते हैं, 2x5 रैंक्ड अल्टरनेट फिलोटैक्सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है कॉमन टाइप का अल्टरनेट फिलोटैक्सी होता है जो जनरली अधिकांश प्लांट में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, दीज आर मोस्ट कॉमन फिलोटैक्सी, सॉरी अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगा, फिलोटैक्सी इन नेचर, नेचर यानी अधिकांश पौधों में इस तरह का फिलोटैक्सी जो है वो पाया जाता है। कौन सा, 2x5 या 5 रैंक अल्टरनेट फिलोटैक्सी। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आपको देखना है कि ये किस में पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे क्या कहा जाता है, चाइना रोज। तो यहाँ पर इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल चाइना रोज होगा, और जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का पौधा होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये चाइना रोज। बस समझना क्या है कि स्पायरल इसमें बनते जाएंगे, ऐसे स्पायरल बनेगा, ये स्पायरल की संख्या हो जाएगी, और इसमें पहली पत्ती के ऊपर छठवीं पत्ती आएगी, यानी इसके ऊपर जस्ट ऊपर की बात होती है। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में इस तरह की अल्टरनेट हिलोटैक्सी पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है 3x8। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो 3x8 है। अब आप देखेंगे कि थ्री जो है, थ्री क्या है, स्पायरल की संख्या, स्पायरल की संख्या तीन है, और आठ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पहली पत्ती के ऊपर नाइन्थ लिप्स आपको मिलेगा। तो इससे जो है ORR क्या कहते हैं, एट रैंक्ड फिलोटैक्सी होगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम नाइन्थ लीफ को लिखेंगे, यानी नाइन्थ लीफ क्या होगा, स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट, ओवर द फर्स्ट लीफ, स्टैंडिंग ओवर द फर्स्ट लीफ, और इसमें स्पायरल की संख्या कितनी होगी, आगे क्या लिखा गया है, 3x8 है, तो स्पायरल की संख्या होगी 3, यानी तीन जो है स्पायरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है तने में पत्तियों का दिखेगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ये अरेंज होगा, तो समझते हैं 3x8 को। 3x8 में ऐसे जैसे इस तरह का अरेंजमेंट है वैसे इसमें भी आप देख लीजिए, तो तीन स्पायरल्स होगा, और इसका एग्जांपल है पपाया। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है पपाया, यानी पपीते के पौधे में इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें से पहली पत्ती के ऊपर नाइन्थ लीफ या नवी पत्ती जो है वो आती है। तो पपाया जो है इसका एग्जांपल हो गया। चलिए उसके बाद जो है, ये तो हो गया अल्टरनेट के बारे में। अल्टरनेट के बाद जो है हम देखते हैं, अल्टरनेट के बाद पढ़ेंगे अपोजिट। चलिए अल्टरनेट के बाद हमें क्या पढ़ना है, अपोजिट फिलोटैक्सी। तो यहाँ पर हमने पहला पढ़ा था क्या, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, या जिसे स्पायरल भी कहते हैं, स्पायरल ORR अल्टरनेट फिलोटैक्सी। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है अपोजिट
अपोजिट अपोजिट फिलो टैक्सी, अपोजिट फिलो टैक्सी, अपोजिट फिलो टैक्सी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं, अपोजिट फिलो टैक्सी का मतलब होता है कि एक नोट पर दो लीप्स होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, टू लीप्स, टू लीप्स एट ईच नोट, प्रत्येक नोट पर पत्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, पत्तियों की संख्या हो जाती है दो। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तना है और तने में नोड है, एक नोड से एक पत्ती इधर निकलती है, ऐसे एक पत्ती जो है इधर भी निकलती है, नोड तो सिंगल है लेकिन पत्तियों की संख्या कितनी है, दो, पत्तियों की संख्या कितनी है, दो, पत्तियों की संख्या जो है वो दो है। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल नोड से, सिंगल नोड से टू लीप्स, तो इस तरह के लीप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी। अब ये जो अपोजिट फिलोटैक्सी है ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अपोजिट डीकसेट और एक होता है अपोजिट सुपरपोज्ड। तो ये जो है दो प्रकार का होता है, पहला क्या होगा, अपोजिट अपोजिट डी कसेट, अपोजिट डी कसेट। देखिए अपोजिट डी कसेट क्या होता है, चलिए इसको हम केवल बस समझ लेते हैं। अपोजिट डी कसेट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक स्टेम ये है, ऐसे स्टेम है इस तरह से, और इस पर नोड प्रेजेंट है, इस पर क्या प्रेजेंट होगा, नोड, और एक नोड पर पेयर ऑफ लीप्स यानी टू लीप्स लगे होंगे। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपोजिट डी कसेट, डी कसेट के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए एक पत्ती जो है इस डायरेक्शन में बनी है, ऐसे, चलिए एक पत्ती ये हो गई, जो अगर केवल हम इसमें समझते हैं तो अगर जो है एक पत्ती का डायरेक्शन जो मतलब पहले नोट पर है उसके अपोजिट इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, फिर देखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होगा, इस तरह से। कहने का मतलब अगर ये जो है मान लीजिए कि ये ईस्ट और वेस्ट में है तो इसके ऊपर वाले नोड पर जो पत्ती होगी वो साउथ और नॉर्थ में डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह के लीप के अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अपोजिट डीकसेट। और अपोजिट डिकसेट जो है वो पाया जाता है किसमें, एग्जांपल की बात करें यानी अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होता है, तो एग्जांपल इसमें है कैलोट्रॉपिस, मदार का पौधा आप लोग देखे हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, प्रोसेरा कई जातियाँ हैं कैलोट्रॉपिस की। तो इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो क्या होंगी, एक अगर इस डायरेक्शन में होंगी पहले नोट पर तो दूसरा इस डायरेक्शन में, कैलोट्रॉपिस। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें ऑसिमम है, ऑसिमम, ऑसिमम। तो ये जो फिलोटैक्सी यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, अपोजिट डी कसेट है, अपोजिट डी कसेट। उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं, सुपरपोज्ड कंडीशन यानी दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें तो ये क्या होगा, अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट सुपरपोज्ड, सुपरपोज्ड। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेम है,
और स्टेम्स हैं, यहाँ पर नोड है इस तरह से। तो यहाँ पर एक पत्ती जो है यहाँ ऐसे निकलती है, दूसरी जो है इस डायरेक्शन में निकलेगी, उसके बाद फिर तीसरी भी जो है इसी डायरेक्शन में निकलेगी। यानी पहली वाली पत्ती जो है जिस डायरेक्शन में होगी, दूसरे नोड पर जो पत्तियाँ होंगी वो भी उसी डायरेक्शन में होती हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, अपोजिट सुपरपोज्ड। तो ये जो लिप्स हैं क्या होगा, अपोजिट सुपरपोज्ड। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो जामुन है, एग्जांपल जो है जामुन। और जामुन का जो बॉटनिकल नेम है उसको लिख लेते हैं। जामुन का जो बॉटनिकल नेम है यूजेनिया जंबुलाना, यूजेनिया जंबुलाना। ये एग्जांपल्स हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर दो तरह का फिलोटॉक्सिक क्लियर किया, क्या क्या, एक जो है अल्टरनेट था और दूसरा क्या था, अपोजिट। अल्टरनेट के भी कई टाइप्स को हमने पढ़ा, उसके बाद अपोजिट का भी हमने दो टाइप पढ़ा, डीकसेट और सुपरपोज्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो तीसरे प्रकार की फिलोटैक्सी है, जिसे हम कहते हैं होल्ड फिलोटैक्सी। तो यहाँ पर तीसरे प्रकार का जो फिलोटैक्सी होगा वो क्या होगा, होल्ड फिलोटैक्सी, होल्ड फिलोटैक्सी, होल्ड फिलोटैक्सी। इसको यहाँ पर हम समझते हैं, इसमें क्या होगा, मोर देन टू लिप्स होगा एट ईच नोट्स, मतलब प्रत्येक नोट्स पर दो से अधिक या क्लस्टर में पत्तियाँ पाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर देन टू लिप्स एट ईच नोट, एट ईच नोट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये तना है, ऐसे ये तना है और तने में नोट प्रेजेंट है इस तरह से, और इस नोट पर जो है ऐसे पत्तियां हैं। अब आप देखो एक नोट पर जो है कितनी पत्तियां होंगी, दो से अधिक, ऐसे क्लस्टर के रूप में, गुच्छे के रूप में भी पाई जा सकती हैं, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। उसके बाद दूसरा नोट है, इसमें भी ऐसे गुच्छे के रूप में पत्तियाँ पाई जा सकती हैं, इस तरह से, ऐसे। तो ये जो है, जब एक नोट पर दो से अधिक पत्तियां या पत्तियों का गुच्छा पाया जाएगा तो उस फिलोटैक्सी को क्या कहा जाएगा, होल्ड फिलोटैक्सी कहा जाएगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल नेरियम, इसका एग्जांपल क्या होगा, नेरियम, नेरियम, इसका एग्जांपल होगा नेरियम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल और कंपाउंड लिप्स को क्लियर करेंगे।